दाबला कचरा में 150 से ज्यादा चारा ट्रॉली जलकर हुई राख, हुआ लाखों का नुकसान। जिले के शाहपुरा उपखंड से महज 3 किलोमीटर दूर दाबला कचरा गांव में देर रात मोहन माली के बाड़े में अचानक आग लग गई, जिससे वहां रखा लगभग 150 से ज्यादा ट्रॉली चारा आग की भेंट चढ़ गया। 4 फायर ब्रिगेड टैंकरों से पानी डालकर 6 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह तक आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रहा कि आबादी क्षेत्र होने के बावजूद भी वहां किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में रात्रि जागरण होने के कारण घटनास्थल के पास ही काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आग की सूचना मिलते ही सभी लोग वहां पहुंचे और आग पर आग काबू पाया। आग से लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा चारा जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है कि पुलिस व प्रशासन को सूचना देने के बावजूद सुबह 10 बजे तक कोई आला अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। बिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। ये मोहनजी मणि का बाड़ा है, इसमें रात को 11 बजे से 12 बजे के आसपास यहाँ इसमें बहुत खतरनाक भयानक आग लग गई है। यहाँ 150 से 200 ट्रॉली जो घास पड़ी हुई है उस पूरी घास के अंदर आग लग गई है। पूरे उस समय ग्रामीण आकर के आग को बुझाने का प्रयास किया। यहाँ आसपास जो पानी के टैंकर थे वो आए, उनसे आग बुझाने की कोशिश की। प्रशासन को और पुलिस को समय पर कॉल किया, लेकिन पहले शाहपुरा थाना में कॉल अटेंड ही नहीं किया। उसके बाद 100 नंबर पर फोन करने के बाद करीब दो से तीन घंटे बाद एम्बुलेंस आई और वेदांता की एम्बुलेंस जो समय पर पहुंची है। उसके बाद भी भीलवाड़ा से जो दो एम्बुलेंस है वो फायर ब्रिगेड है वो दोनों खराब निकली, थोड़ी देर में दोनों खराब हो गई। फिर उसके बाद पुलिस वाले भी मौके पे बहुत लेट पहुंचे और उसके बावजूद ग्रामीणों ने सबने प्रयास करके आग को बुझाने की कोशिश की। आग जो है बिल्कुल आबादी क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक लगी है, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर आबादी क्षेत्र है। अगर समय पर आप आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बहुत जनहानि हो सकती थी, जिसका प्रशासन वगैरह सब जिम्मेदार है। लेकिन अभी तक आग लगे हुए 10 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक प्रशासन का नहीं तो एसडीएम मैडम आए और न ही तहसीलदार सर आए हैं, कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कुछ आके पूछा नहीं। जबकि ये जो गांव है डाबला कचरा, ये पंचायत जो तहसील मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से आने में 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन नहीं तो एसडीएम पहुंचा अभी तक और न ही अभी तक 150 से 200 ट्रॉली जो आप सामने देख रहे हो वो सारा का सारा नष्ट हो गया है। और किसानों को पूरी कमाई जो थी, पूरी रबी खरीफ की फसल की जो सारी की सारी कमाई थी, पूरी की पूरी कमाई यहाँ नष्ट हो गई है। और सब गायों को अभी डालने के लिए कम से कम 20 से 25 जानवर है, उनको डालने के लिए अभी कुछ भी एक दाना भी नहीं बचा है।